कंफ्यूज। क्या बहुत कंफ्यूज्ड हैं? समझ नहीं आ रहा है कि मैं इंटीरियर डिजाइनर हायर कैसे करूं, क्या ढूंढूं इंटीरियर डिजाइनर को हायर करने से पहले, आर्किटेक्ट कैसे हायर करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चिंता मत करिए, आज इस वीडियो में मैं आपको एक मॉकअप प्ले करके दिखाने वाला हूं। आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या राइट क्वेश्चंस पूछने हैं बिफोर हायरिंग द राइट डिजाइनर फॉर यू। हाय, माय नेम इज शशांक जैन एंड वेलकम टू माय चैनल वुडोफा। हाय गाइस, तो मैंने जैसे आपको बोला था मैं एक मॉकअप प्ले करने वाला हूं, सो आई हैव अभिषेक विद मी। अभिषेक इज आवर क्लोज बडी एंड ही लुक्स आफ्टर आवर एंटायर सेल्स हियर इन वुडोफा, एंड ये बहुत ही जबरदस्त बंदा है। डिजाइनर तो नहीं है पर एक्सपर्ट पूरा है। तो आज मैं आपके सामने एक मॉकअप प्ले करने वाला हूं कि जिसमें आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। तो अभिषेक इज द गाय फ्रॉम वुडोफा एंड आई एम द कस्टमर। करें शुरू? इंटरेस्टेड हो? पक्की बात? अगर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल पे, तभी बताऊंगा आगे। सर अभिषेक, आई एम लुकिंग फॉर डिजाइनिंग माई होम। मेरे पास एक 3 BHK का घर है नोएडा में और मैं उसका इंटीरियर करना चाहता हूँ, तो मैं आपके पास आया हूँ वुडोफा के पास। आप बताइए, आप मेरी कैसे मदद कर सकते हैं? ठीक है, आपने आपका जो घर है उसका साइज़ क्या होगा, आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं? हाँ, मेरा घर का साइज़ लगभग 1700 स्क्वायर फीट है। ये सुपर एरिया है जो बिल्डर ने मुझे अपने मैप पे बना के दिया था। मुझे अंदर तो साइज़ नहीं पता कितना होगा, बट वैसे मोटा मोटी 1700 स्क्वायर फीट है। 1700 स्क्वायर फीट है। तो आपने अभी प्लान किया है कि आपको क्या अपने घर के लिए चाहिए? कुछ कुछ आपने प्लान किया है फैमिली के साथ कि कैसा आपको घर चाहिए, कुछ कुछ भी? अभिषेक, मैंने बहुत ज़्यादा तो प्लान नहीं किया है क्योंकि हमें पहली बार हम इंटीरियर कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि क्या क्या होना चाहिए। अभी तक हमने कभी इंटीरियर डिज़ाइनर भी हायर नहीं किया, तो हमें ये भी नहीं समझ है कि होता क्या है इसको करने के लिए। बट हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे 2 बच्चे हैं और एक बेटा है, एक बेटी है, और मैं मेरी वाइफ के साथ रहता हूँ नोएडा में। मैं जॉब करता हूँ एक IT कंपनी में, तो मुझे एक अच्छा घर चाहिए अपने रहने के लिए। ठीक है, तो सर सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक डिस्कशन कर लेते हैं आपके एक लेआउट पे कि बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, हमें अपने घर के लिए चाहिए क्या क्या। तो एक बार जब वो डिस्कस कर लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा ओवरऑल कि उसकी क्या कॉस्टिंग आ रही है एंड क्या है वो रेंज में आ रहा है, और मैं आपको थोड़ा सा इनपुट दे पाऊंगा कि उसके अकॉर्डिंग हम कैसे अपना बजट को और कैसे अपनी रिक्वायरमेंट्स को प्लान करें। ठीक है, ओके। तो अभिषेक, जैसे कि अभी बजट तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मैं तो एक अपर मिडिल क्लास इंसान हूँ, मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं है, पर हाँ मुझे अपनी लाइफ भी अच्छी जीनी है और मुझे अपना घर भी सुंदर बनाना है। तो अब कैसा मेरा काम विद इन माई बजट कर पाओगे? सर देखो, बजट का सबसे सही तरीका है प्लान करने का कि पहले हम उन चीज़ों को देखो जो हमारे लिए बेसिक हैं, जो नेसेसिटी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मॉड्यूलर किचन हो गई, वार्डरोब्स हो गए, एंड बाकी जो हमारी फॉल सीलिंग, लाइटिंग, ये 4 ऐसी चीज़ें जो घर में बेसिक होती हैं, तो पहले हम लोग इनके ऊपर डिस्कस करते हैं, देन जो बाकी की अदर चीज़ें जो हमारे घर को ब्यूटीफाई करती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हमें उस तरीके से प्लान करना है कि हमारे बजट के अंदर हम उसको प्लान मतलब बना पाएँ। ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं पहले कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक बजट बनाता हूँ और कोशिश करेंगे कि अपने बजट के आसपास उन्हें प्ले करें। वेरी गुड। नहीं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभिषेक कि आप बजट पे इतना एम्फेसिस कर रहे हो। जनरली लोग इंटीरियर डिजाइनर्स ना बजट को सोचते ही नहीं है। मैं किसी के पास गया था, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारी कंपनीज हैं, आई शुड नॉट टेक द नेम, वो मॉड्यूलर कंपनीज भी हैं, कुछ डिजाइनर्स भी हैं, कुछ लोकल डिजाइनर्स भी हैं, कुछ हाई एंड डिजाइनर्स भी हैं, तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा मैं कैसे चूज करूं अपना डिजाइनर। अब सर देखो, मार्केट में जैसे कि आपने बताया कि आप काफी कंपनीज के पास गए और आपने रिसर्च करी, बहुत सारी कंपनीज हैं। देखो सर, होता है क्या, हमारी इंडस्ट्री में ना एक बजट सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप किसी कंपनी को अप्रोच करोगे, किसी लोकल वेंडर को आप अप्रोच करोगे, तो वो आपको ये तो पूछ लेगा कि सर आपको चाहिए क्या, लेकिन वो आपको कभी ये बता के नहीं देगा कि सर इसके बजट क्या होगा। कहने का मतलब ये है, और बजट अगर आपको बताएगा भी वो, तो एक टेंटेटिव वो बजट बोल देगा कि फॉर एग्जांपल 7 लाख, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम आइटम बाई आइटम कॉस्ट बनाते हैं, ताकि आपको आपका आइडिया लग जाए कि उस आइटम की पर्टिकुलर क्या कॉस्ट है, तो आप उसे एवेल्युएट कर पाओ कि मेरे घर में क्या 4 चीज़ें आ रही हैं और क्या उनकी कॉस्ट है। बहुत बढ़िया, तो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। आप मेरे को मेरी पूरी कॉस्ट आइटम बाई आइटम दे दोगे पहले दिन ही, मतलब बिना डिटेलिंग ऑफ डिजाइन करे आप मेरे को बजट बता दोगे? बिल्कुल सर, उसका सही तरीका ये है, क्योंकि सर वी हैव डन 400 होम्स इन दिल्ली NCR और नोएडा में। तो सर होता क्या है कि जैसे आपने साइज बताया 1700 स्क्वायर फीट का, तो सर हमने काफी घर किए हैं जो टेंटेटिव ये साइज है, तो उसमें क्या होगा, पहले दिन मैं आपको एक जो बजट दूंगा, बहुत ही एक्चुअल बजट नहीं होगा, टेंटेटिव होगा, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक घर में फॉल सीलिंग कितने स्क्वायर फीट होगी अगर इतने साइज का फ्लैट है,
टीवी यूनिट आएगा तो उसका साइज क्या होगा, क्योंकि सर इंटीरियर्स में मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो होती है स्टैंडर्ड होती है, उनके साइजेस जो होते हैं हमें पता होता है कि टेंटेटिव एक साइज क्या होगा, तो मैं आपको पहले ही दिन एक बजट दे दूंगा ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या हमारा बजट आ रहा है। बहुत ही बढ़िया, मतलब अभिषेक मुझे तो सुन के इतना सुंदर लग रहा है कि आप मुझे पहले ही दिन, मैं आपके पास आया और आप मुझे बजट दे दोगे और आप मेरे को बता दो कि आइटम बाय आइटम, मतलब एलिमेंट मटेरियल कौन सा लग रहा है और उसकी प्राइसिंग क्या है, पूरी पूरी क्लैरिटी आ जाए। बिल्कुल सर, सारा मटेरियल क्या हम लोग लेने वाले हैं अपने घर में, क्या उसकी फिटिंग्स हैं, क्या उसकी क्वालिटी है, तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि पहले ही दिन से आपको एक आइडिया लग जाएगा, आपने माइंड में एक रेंज सेट कर सकते हो कि मेरा ये बजट है एंड एक्स वाई जी मैंने आपको ये बजट दिया, तो उससे क्या होगा आपको इजी रहेगा, कंपैरिजन कर पाना भी आपको इजी रहेगा, क्योंकि पहले ही दिन आपको एक बजट का आइडिया लग गया, आपको मटेरियल्स का आइडिया लग गया, आपको फिटिंग का आइडिया लग गया, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। तो आप अगर कंपैरिजन भी करते हो तो आपको पता रहेगा कि अभिषेक मेरे को क्या चार चीज़ें दे रहा है, वोडोफोन मुझे क्या चार चीज़ें दे रही है और वो क्या चार्ज दे रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, तो ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। तो अभिषेक आप मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, चलो बजट भी आप मुझे बता दोगे, थोड़ा मेरे को डिज़ाइन भी समझा दोगे, पर मैं चूज़ कैसे करूँ एक्चुअली, मतलब मैं आप में और आपकी जैसी लोकल कॉन्ट्रैक्टर में या आपकी जैसी कंपनी में कैसे चूज़ करूँ कि मैं कॉन्ट्रैक्टर से कराऊँ या कंपनी से काम कराऊँ। देखो सर, मैं आपको शुरू के कुछ 4 से 5 स्टेप बताता हूँ जो आपको फॉलो करने हैं और आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए कौन सही है, कॉन्ट्रैक्टर सही है, वोडोफा सही है या आप कोई लोकल वेंडर देख रहे हो वो सही है। तो पहला स्टेप जो आपको देखना है वो ये देखना है क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स मेरे पास फुलफिल हो रही हैं। ओके, पहली चीज़ जो आपने प्लान किया, क्या मैं आपको दे पा रहा हूँ, क्या वोडोफा आपको दे पा रही है और क्या वो लोकल कॉन्ट्रैक्टर दे पा रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा आपको देखना है कि क्या एक बजट है, क्योंकि बजट सबसे मेन है हमारे यहाँ, तो बजट ऑब्वियसली बात है आप अगर लोकल कॉन्ट्रैक्टर के पास जाओगे वो आपको बजटिंग देगा और जो आप मेरे पास आओगे जो मैं बजटिंग दूंगा उसमें थोड़ा फर्क होगा, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल्स, कॉन्ट्रैक्टर प्रोफेशनल नहीं होता। करेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको 10 लाख की कॉस्टिंग दी और उसने आपको 7 लाख की कॉस्टिंग दी, 8 लाख की, सर आप अगर 7-8 लाख रुपए अगर वहाँ आप लगा दोगे और वो आपका वर्थ ना है तो कोई फायदा नहीं, 8 लाख मतलब मैंने मेरे पैसे लगाए खराब हो जाएंगे, मतलब 8 लाख भी लगाए और मेरे को वैल्यू भी नहीं मिली। तो वही मैं कह रहा हूँ, जब अगर आपने फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला सर इसकी 10 लाख कॉस्ट, लेकिन उसको आपको वैल्यू मिलेगी, उसको आपको वर्थ मिलेगी, क्योंकि वी आर प्रोफेशनल, हमारी सारी खुद की टीम है, डिजाइनर्स हमारे पास हैं, सारी टीम है। थर्ड आपको देखना है कि जो आप काम करा रहे हो क्या उस काम को वोडोफा सारे काम को जो भी आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारा कर पा रहे हैं, मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको देखना है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। वंडरफुल, तो आप क्या मेरा सिविल का काम, टाइल का काम, इलेक्ट्रिकल, पीओपी, प्लंबिंग, फर्नीचर सब कर देंगे? सर सारा, उसमें होगा क्या कि सर देखो ऐसा है आपके पास भी टाइम नहीं होगा और आप 4 लोगों से आप हैंडल करोगे, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे, प्लम्बर को बुलाओगे, तो उसमें होगा क्या कि आपका टाइम भी खराब होगा एंड प्लस वो क्वालिटी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि 4 अलग अलग जब लोग आएंगे तो वो अपनी अपनी एक्सपर्टीज देंगे। हमारा क्या सर, हमारी खुद की टीम है, हमारी प्लम्बर्स हमारे इन हाउस हैं, इलेक्ट्रिशियन हमारे इन हाउस हैं, सारी चीज़ हमारे पास है, तो आप यू डोंट हैव टू रन आफ्टर 5 डिफरेंट वेंडर्स, आपको सारी चीज़ वोडोफा में मिलेगी। लवली, वेरी गुड यार, ये तो बहुत ही खुशी हो गई मेरे को सुन के कि मुझे वन स्टॉप सॉल्यूशन है, भले ही 10-15% मैं पैसे एक्स्ट्रा देने को तैयार हूँ बट मेरे को पीस ऑफ माइंड तो मिल रहा है, मेरे को कहीं 4 लोगों के पीछे भागना तो नहीं पड़ रहा है और मेरे को क्वालिटी भी दे दोगे आई एम श्योर कि जो आप बोल रहे हो। बिल्कुल सर, उसमें सबसे आपको जो फायदा होने वाला है वो होने वाला है कि जो हमारी डिजाइनिंग टीम है बहुत ही एक्सपर्ट है हमारे पास, वो हमारे साथ शुरू से 2-3 साल से 4-5 साल से 50-50 प्रोजेक्ट किए हुए हैं, तो उन्हें पता होता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए, तो हम लोग पहले ही मैपिंग कर लेते हैं कि ठीक है सर आपके ये 4 रिक्वायरमेंट हैं, तो 4 रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम पहले थीम सेलेक्ट कर लेते हैं कि सर आप क्या अपने घर में थीम रखना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग हम वर्कआउट करते हैं आपके प्लान के ऊपर, तो आपके लिए इजी हो जाता है ये। वेरी गुड, तो क्या मैं बोलूँ कि आप मेरा घर को यूनिक बना देंगे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे डिजाइनर्स कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, उनके 2 वीडियोस 3 वीडियोस 4 वीडियोस मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है तो सब कुछ सेम है, तो क्या ये वोडोफा मेरे को अलग अलग घर बिल्कुल यूनिक घर बना के दे सकता है? नहीं बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बोला कि आप डिज़ाइन देखते हो कॉपी पेस्ट है, सर हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है, जैसे भी आप फॉर एग्जांपल कुछ भी कंपनी में आप जाते हो, कोई भी कंपनीज है इंटीरियर डिज़ाइनर की, तो जब आप उन्हें अप्रोच करते हो तो आपको पहले दिन एक डिज़ाइन दिखा देते हैं, चाहे वो उनका मास्टर डिज़ाइन हो, चाहे उन्होंने किसी और घर के लिए बनाया, बट हम ऐसा नहीं करते। मैं पहले दिन आपको ही नहीं बोलूँगा सर ये डिज़ाइन होगा, मैं बोलूँगा ठीक है सर हम स्टार्ट करते हैं, आई विल मेक सम ऑप्शंस फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ ऑप्शंस बनाता हूँ आपके घर के अकॉर्डिंग, आपकी आपने जो प्लान किया उसके अकॉर्डिंग, आपकी आपकी जो फैमिली ने सोचा है क्या थीम होना चाहिए, क्योंकि इट्स योर ड्रीम हाउस, ये आपका ड्रीम हाउस है और इसे बनाने के लिए हम लोग पूरा फुल डिज़ाइन पहले एक बेसिक लेआउट बनाते हैं, उसके बाद में आपसे हम कलर सिलेक्शन करवाते हैं कि क्या सर कलर लाना है,
उसके बाद फिर हम मटेरियल आपसे सिलेक्ट करेंगे, सर ये मटेरियल है, एंड देन हम फिर पूरा डिज़ाइन सेट करेंगे। तो उसमें होगा क्या, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप आइडिया लग जाएगा कि क्या मैं मटेरियल लेने वाला हूँ, क्या ये ग्लॉस फिनिश है, क्या ये मैट फिनिश है, कैसा कलर आने वाला है, और पूरे घर का डिज़ाइन। वेरी गुड। सो ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है अभिषेक मेरे को, कि आप मेरे घर का पूरा पोस्टमार्टम एक्सरे पहले दिन ही कर दोगे, तो मुझे बाद में कभी भी कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि मैंने चूज कुछ और किया था और बन कुछ और गया। अब देखो सर, होता क्या है कि कंफ्यूजन जब होता है कि जब आप किसी के पास गए और आपने बोला कि जी मुझे अपने घर का काम कराना है, और उन्होंने आपको एक्स वाई जी कॉस्ट देके और काम शुरू कर लिया विदाउट डिज़ाइन फाइनलाइजेशन। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बहुत ही होता है कि हम लोग पहले डिज़ाइन आदि फाइनल करते हैं और काम पहले शुरू कर देते हैं, बट हमारे यहाँ एक प्रोसेस है, हम पहले पूरा डिज़ाइन फाइनलाइज करेंगे आपका इंच बाई इंच, ताकि आपको पता लग जाए, आइडिया लग जाए कि आपके घर में इंच बाई इंच लगने क्या वाला है, उसके बाद हम एग्जीक्यूशन पर जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उसके आपको भी कन्फ्यूजन नहीं रहता, कोई क्लैशेज नहीं आते बीच में, और काम एग्जीक्यूशन बहुत स्मूथ होता है। हालांकि डिजाइन में थोड़ा टाइम लगता है और देना पड़ेगा सर आपको, क्योंकि आपके घर का डिजाइन है वो, पूरी फैमिली को इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसमें। तो एक बार हम पूरा डिजाइन बनाते हैं फिर एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये सही तरीका है इसका। वेरी गुड, नहीं अच्छा लग रहा है। तो अभिषेक, जैसे आपने अभी बात करी, तो मुझे कितना टाइम देना होगा डिजाइन पे, मतलब क्या मेरे को रोज आना पड़ेगा आपके पास, या हफ्ते में एक बार ही दो बार ही आ जाऊंगा तो चल जाएगा, हाउ डज दैट वर्क? देखो सर, टाइम आप मान के चलो 21 दिन से एक महीना टाइम लगता है, और उसके लिए आपको 3 मीटिंग्स करनी ही पड़ेंगी हमारे साथ। 3 तो बोलते हैं कि जो बेसिक मीटिंग है, पहली मीटिंग हम एक बार अपना डिज़ाइन फाइनल करेंगे जिसमें हम लेआउट और सारी चीज़ें आने वाली हैं वो, दूसरी मीटिंग मटेरियल के लिए होगी, तीसरी कलर्स के लिए। तो आपको 3 मीटिंग के लिए टाइम निकालना है, और 20 से 25 दिन या एक महीना आपको लेके चलना है, अच्छा, ताकि हम उसमें एक अच्छा डिज़ाइन कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच अभिषेक। तो गाइज, यहाँ पर हमारा प्ले ख़त्म हो गया है, तो आई एम श्योर आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा हम कैसे काम करते हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स एंड कन्फ्यूजन्स क्या होती हैं जो कि सॉल्व की जा सकती हैं। एंड आई वुड लाइक टू थैंक अभिषेक, इसने बहुत अच्छा टाइम दिया और बहुत सही तरीके से पहली बार में चकाचक वीडियो बना दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस टिल द एंड, सब्सक्राइब आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल एज ही सेड, और हमारे पास जरूर आएं अगर आपको अपना घर डिजाइन करना है और आप सुपरस्टार घर बनाना चाहते हो। सो वी आर द पीपल टू बी कॉन्टेक्टेड। अभिषेक इज आवर सुपरस्टार गाय, ही विल कॉल यू, ही विल टॉक टू यू, ही विल मेक यू फील होम, एंड देन आपको आओगे हमारे पास काम करने के लिए तो बहुत मजा आएगा, और हम ईगरली वेट कर रहे हैं आपको अपने एक्सपीरियंस सेंटर में बुलाने के लिए और आपको आपका ड्रीम हाउस बनाने के लिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच गाइस। कूल है भाई, लड़के पहली बार में सही कर दिया तुमने, ऐसे ही करना है।